हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे भी गए हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, निम्न में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था। यानी जब मनुष्य स्टार्ट हुए, मनुष्य का जन्म हुआ, मनुष्य में दिमाग आया, वो और ही ज़्यादा डेवलप हुए, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है, तो वहाँ जो मनुष्य थे उन्होंने सबसे पहले किस अन्य का प्रयोग किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ चार दिए हुए हैं, पहला है जौ, दूसरा है जई, तीसरा है राई और चौथा है गेहूं। आपको इसमें कमेंट करके बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। तो गाइस, इसमें से जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी मनुष्य की जब उत्पत्ति हुई, मनुष्य जब बुद्धिमान हुआ, जब डेवलप हुआ, तो उसने सर्वप्रथम जौ का प्रयोग किया, जिसे प्राचीन भाषा में यौ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जौ का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको बताना है कि जौ का प्राचीन नाम क्या है, यौ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटीज क्या थी, प्रॉपर्टी क्या थी। यहाँ चार प्रॉपर्टी भी दी हुई हैं ए बी सी डी ऑप्शन में। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला है दग्ध ईंटों से बनी इमारतें। दग्ध मतलब होता है पक्की ईंटों से बनी इमारतें, ये सबसे मेन प्रॉपर्टी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, या प्रथम सही कमान या धर्म स्थल या कला और वास्तुकला। तो गाइस, इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही थी कि वो लोग जो घर बनाते थे वो पक्की ईंटों से बनाते थे, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग कई सारे धातुओं से परिचित थे, जिनमें से ये पूछा जा रहा है कि किस धातु से वो परिचित नहीं थे, किसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। ऑप्शन है तांबा, चांदी, पत्रे या लोहे। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। तो भाई, इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी, लोहा। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। लोहे का उपयोग या लोहे से जब इनका परिचय हुआ लोगों का, वो आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग्वैदिक काल तक लोग बिल्कुल भी लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है। तो हमें पता है लोथल किससे रिलेटेड है, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। हमें पता है वेद चार होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहला कौन सा वेद आया, सबसे प्राचीन कौन सा है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध कौन सा है, यानी कौन से अपराध को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, इसमें ये पूछा गया है। ऑप्शन है आपका पशु चोरी, अपहरण, हत्या या बलात्कार। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा पशु चोरी। पशु चोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपराध नहीं था कि उसमें बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती, सबसे आम अपराध माना जाता है इन सभी अपराधों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, यानी किस उपनिषद से रिलेटेड है। ऑप्शन है आपके पास मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद या मांडूक्य उपनिषद। तो गाइस, इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते किससे रिलेटेड है, मुंडक उपनिषद से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी कला को जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई, यानी जैन धर्म थी उसमें कोई ना कोई, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या कोई भी धर्म हो, कोई ना कोई उसमें कला आती ही है, यानी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती ही हैं। तो इसमें यह पूछा गया है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी कला जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई है, यानी जैन धर्म से कुछ ना कुछ लिया गया है, जैन धर्म से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज ली गई हैं। तो ऑप्शन दिए हैं गांधार, मथुरा, सुंग या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मथुरा। मथुरा की जो कला है वो जैन धर्म से प्रेरित है, यानी जैन धर्म से उसको प्रेरणा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। ऑप्शन है कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनश्वरता, ईश्वर में विश्वास या कठोर तप या वैराग्य। तो इसमें से गाइस जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मवाद का सिद्धांत। चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो या ब्राह्मण धर्म हो, तीनों में कर्म की प्रधानता दी गई है, कर्मवाद का सिद्धांत दिया गया है। तो ये क्या है, ये कॉमन धारणा हो जाएगी कर्मवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहला तीर्थंकर कौन था, 23वां तीर्थंकर कौन था और 24वां तीर्थंकर कौन था? ऑप्शन है आपके पास ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या मल्लीनाथ। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है आपका पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ क्या थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी सबसे लास्ट और 24वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव जो थे वो फर्स्ट तीर्थंकर थे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते थे? यानी जो जैन धर्म को मानने वाले थे उनके अनुसार महावीर क्या थे? आपका ऑप्शन है ईश्वर, दैवी दूत, सन्यासी या तीर्थंकर। तो ये क्या थे? तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, यानी 24वें तीर्थंकर थे। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? जैन मत से रिलेटेड है, ये जैन मत से रिलेटेड है। स्थूल भद्र जो थे उनसे श्वेतांबर रिलेटेड है, और जो भद्रबाहु थे उनसे दिगंबर रिलेटेड है। श्वेतांबर जो लोग थे, जो श्वेतांबर को मानने वाले थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर वाले जो लोग थे वो वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो ये दोनों किससे रिलेटेड है? ये जैन मत से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो याद कीजिए, बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था और वो किस वंश से रिलेटेड थे? तो जो बुद्ध के पिताजी थे वो शाक्य वंश के क्या थे? मुखिया थे। तो बुद्ध के पिताजी शाक्य वंश से रिलेटेड थे, तो बुद्ध भी किस वंश से संबंधित हैं? वो भी शाक्य वंश से रिलेटेड हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया है महावीर स्वामी, गुरु नानक देव, कबीर या गौतम बुद्ध। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण है क्या? जब गौतम बुद्ध ने अपने देह का त्याग किया, यानी जब वो उनकी मृत्यु हुई, तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। और जब उन्होंने घर को त्यागा, तब उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर या बोध गया। तो आपको ये बताना है कि किस स्थान पे उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कुशीनगर। कपिलवस्तु लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, ऋषिपत्नम सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कुशीनगर में क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण, यानी उन्होंने अपने देह को त्याग दिया था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से किससे था? यानी वो उनके जो उपदेश थे वो किससे रिलेटेड थे? ऑप्शन दिया हुआ है एक ही भगवान में भरोसा, रस्मों का पालन, विचार और आचार की शुद्धता या आदर्श पूजा। तो गाइस इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, आचार और विचार की शुद्धता। बुद्ध के जो उपदेश थे वो इसी से रिलेटेड थे कि आपके जो आचरण है और जो विचार है वो आप शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि जब विचार शुद्ध होंगे तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे। तो ये बुद्ध के उपदेश से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? जो पहला क्वेश्चन था, जहाँ आपको महापरिनिर्वाण के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको ऑप्शन में समझाया था कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। आपके ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो ऋषिपत्नम सारनाथ में दिया था। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी में, और कुशीनगर में क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण, उन्होंने अपने देह को त्याग दिया था। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, ये कथन किसका है? तो गाइस ये कथन आपको बताना है कि किसने कहा है। तो आपके ऑप्शन है भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, अशोक महान का या महात्मा गांधी का। तो इसमें से सही ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और दुखों का कारण क्या है? तृष्णा। ये भगवान बुद्ध ने कहा था, ये उनका ही स्टेटमेंट है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथा किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है आपके गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी, बाल गंगाधर तिलक या गांधी जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गौतम बुद्ध। जो जातक कथा है वो किससे रिलेटेड है? गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। जातक कथा में गौतम बुद्ध के
क्या कहते पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि जातक कथा में है क्या, तो जातक कथा गौतम बुद्ध से रिलेटेड है और उसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां विस्तृत है, पूर्व जन्म की कहानियां बताई गई है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से बताना मुश्किल है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी ने वहाँ राज किया। पहले हर्यक वंश आई, फिर सिसुनाग आई, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आया, फिर उसके बाद सुंगा वंश आया, कर्ण वंश आया, सातवाहन वंश आया। तो इसमें से कोई एक फिक्स कर पाना मुश्किल है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। जैसे बिंबिसार है, ये आपके हर्यक वंश से रिलेटेड थे, अजात शत्रु भी हर्यक वंश से रिलेटेड था, कालाशोक शिशुनाग वंश से रिलेटेड था, उदयन और उदयन में कंफ्यूजन रहता है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, उदयन भी और उदयन में भी। उदयन क्या है, उदयन वो राजा है जो हर्यक वंश से रिलेटेड था और उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। लेकिन उदयन क्या है, उदयन वत्स देश का राजा था। वत्स क्या है, वत्स को अभी के टाइम पे इलाहाबाद कहते हैं, इलाहाबाद को प्राचीन भाषा में वत्स के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी कौसाम्बी थी और उदयन वहीं का राजा था। तो ये आपको याद रखना है कि उदयन और उदयन दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये क्लियर कर पाना मुश्किल है कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन कौन सा सही है अंतिम शासक का। तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था। तो ऑप्शन है आपके फायान, मेगास्थनीज, नादिरशाह या ह्वेनसांग। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा मेगास्थनीज, ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेलुकस निकेटर को हरा दिया था तो उसके बाद संधि हुई थी जिसमें से सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था और उसने अपने राजदूत को भी इनके दरबार में भेजा था। तो चंद्रगुप्त दरबार के मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजपूत कौन था, मेगास्थनीज था। तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है। पहले के टाइम पे बहुत सारी लिपि थी, देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी। तो इसमें ये पूछा गया है कि अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए, जिस भाषा का या जिस लिपि का प्रयोग किया, वो कौन सी लिपि थी। ऑप्शन है आपकी देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी, श्रद्धा। तो इसमें से सही ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी, ब्राह्मी। ये आपको याद भी रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, यानी सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है उसे किस शासक ने बनवाया था। ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र। तो गाइस इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अशोक, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। तो ये आपका सही राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है कि सांची स्तूप इनमें से किस राजा ने बनवाया था। बस लैंग्वेज डिफरेंट है, मीनिंग सेम है, क्वेश्चन सेम है। तो इसमें से भी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन अशोक महान। अब फिर वही क्वेश्चन डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा गया है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने किया। क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज चेंज है, मीनिंग भी वही है। तो आप यहाँ से देख ही सकते हैं कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, यानी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें भी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अशोक। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का जो स्तूप है जिसे अशोक महान ने बनवाया था किस राज्य में है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में जब मैंने इससे पहले क्वेश्चन आपको बताया था सांची स्तूप का, तो मैंने आपको बताया था कि सांची का स्तूप किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। कई सारे राजवंश थे, तो आपको इनमें से बताना है कि जो चारों दिए हुए हैं इनमें से सबसे पुराना कौन सा था, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव या सातवाहन। तो सबसे पहले आया आपका हर्यक राजवंश, फिर उसके बाद आया शिशुनाग वंश, फिर उसके बाद आया नंद वंश, फिर आया आपका मौर्य वंश, फिर सुंग वंश, फिर कर्ण वंश, फिर सातवाहन वंश, फिर उसके बाद ये आपके राष्ट्रकूट, पल्लव और चालुक्य आए। तो सबसे प्राचीन कौन सा हो जाएगा आपका, सातवाहन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है आपके पास बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब। तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है, तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। संगम साहित्य भारत के किस राज्य से रिलेटेड है, तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेंट थॉमस केरल कब पहुंचे। अब
आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, 24 ईस्वी, 42 ईस्वी, 52 ईस्वी या 162 ईस्वी। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी, 52 ईस्वी। सेंट थॉमस केरल कब पहुंचे, 52 ईस्वी में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास गुप्त शासन, मौर्य शासन, मुगल शासन या वर्धन शासन। तो हम सभी जानते हैं, कई बार पढ़ा भी होगा आपने, कि जो गुप्त शासन था उसे स्वर्णिम काल कहते हैं, क्योंकि उस टाइम जो कला थी, वास्तुकला हो या शिल्प कला हो, तो ये बहुत ही ज्यादा विस्तृत थी, बहुत ज्यादा इनको श्रेय दिया गया, बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया, और उस टाइम की इंडिया की जो कंडीशन थी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी थी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो यहाँ पर आपका क्या हो, समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके गुप्त शासन से रिलेटेड थे। तो किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं, गुप्त शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है, यानी भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी। ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या हर्षवर्धन। तो यहाँ आप देख सकते हैं समुद्रगुप्त, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त, जिसका स्तंभ कहाँ है, इलाहाबाद में बना हुआ है इसका समुद्रगुप्त का स्तंभ, और इन्हें भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी, और ये गुप्त काल से ही रिलेटेड थे, गुप्त काल के राजा थे। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के क्वेश्चन तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किए जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसमें से जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं, मेघदूत के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके पास कौटिल्य, कालिदास, बाणभट्ट, भास्कराचार्य। तो इसमें से जो गाइस सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, मेघदूत के लेखक कौन है, कालिदास है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। ऑप्शन है वात्स्यायन, विशाखदत्त, विष्णु शर्मा या वराहमिहिर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विशाखदत्त, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्यभट्ट क्या है, मतलब क्या थे, एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चित्रकार थे, खगोलवेत्ता थे या वैज्ञानिक थे। तो इसमें से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या थे, खगोलवेत्ता थे। आर्यभट्ट किसके लिए प्रसिद्ध थे, खगोलवेत्ता, यानी वो खगोल वैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्यभट्ट एक महान क्या थे, राजनीतिक थे, प्रशासक थे, खगोल शास्त्री थे या इनमें से कोई नहीं। इसके पहले का जो क्वेश्चन था 35 नंबर, उसमें भी हमने यही सेम क्वेश्चन किया था, बस लैंग्वेज डिफरेंट थी। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्यभट्ट क्या थे, एक खगोल शास्त्री थे, महान खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों ने शासन किया कहाँ, किया किस राज्य में किया, किस स्थान पर किया। ऑप्शन दिया हुआ मदुरई, तिरुचेंदूर, तंजौर या कांचीपुरम। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कांचीपुरम, जो पल्लव हैं उन्होंने कांचीपुरम में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल राजवंश का संस्थापक कौन था। चोल राज डायनेस्टी के बारे में आपने पढ़ा होगा, चोल राजवंश, तो आपको बताना है कि चोल राजवंश का संस्थापक कौन था, राजेंद्र फर्स्ट, दंतीदुर्ग, बलबन या विजयालय। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, विजयालय क्या है, चोल राजवंश का संस्थापक थे, चोल राजवंश के संस्थापक जाने जाते हैं विजयालय। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर को किसने बनवाया था, पांड्य शासकों ने, चोल शासकों ने, चालुक्य शासकों ने या पल्लव शासकों ने। तो गाइस इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, चोल शासकों ने। तंजावुर के जो बृहदीश्वर मंदिर है ये बहुत फेमस मंदिर है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ इससे रिलेटेड, तो किसने बनवाया था, चोल शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वायत्तता किसके शासनकाल की विशिष्टता थी, यानी किसके शासनकाल की विशेष प्रॉपर्टी थी ग्रामीण स्वायत्तता, चोल शासकों की, सातवाहन की, मौर्य की या कुषाण की। तो गाइस इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चोल, चोल शासनकाल की ये महत्वपूर्ण विशिष्टता थी, यानी इंपॉर्टेंस थी, क्या है, ग्रामीण स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किला राय पिथौरा का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन है आपके पास जयचंद, राय राम बहादुर, पृथ्वीराज चौहान या राजा पिथौरागढ़। तो इसमें से सही ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, यानी हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, हर्षवर्धन का जो राज्य था उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, नालंदा में, प्रयाग में, कन्नौज में या थानेश्वर में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, उनकी राजधानी कहाँ थी, कन्नौज में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में इस्लाम धर्म का आगमन सर्वप्रथम किसके माध्यम से हुआ, यानी जब भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ तो सर्वप्रथम किसके द्वारा हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शन है खिलजी शासकों द्वारा, गुलाम शासकों द्वारा, अरब शासकों द्वारा या तुर्क शासकों द्वारा। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अरब शासकों द्वारा। जब अरब शासक भारत आए उन्हीं के साथ इस्लाम धर्म का भारत में आगमन हुआ, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? शेख हमीदुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख कुतुबुद्दीन औलिया, ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती। तो इसमें से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे, ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वीं शताब्दी में राजस्थान में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में माउंट आबू में जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है वो किस धर्म से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है ये मंदिर जो है ये क्या है, जैन धर्म से रिलेटेड है। और इसको किसने बनवाया था, इसको बनवाया था आपके तेजपाल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि तेजपाल ने 13वीं शताब्दी में राजस्थान में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर बनवाया था जो कि जैन धर्म से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? ऑप्शन है आपके पास अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, शाहजहां या अकबर। तो इसमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक था। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके साथ श्री कृष्ण देवराय के मित्रवत संबंध थे? ऑप्शन है आपके पास ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली या फ्रांसीसी। तो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि श्री कृष्ण देवराय के मित्रवत संबंध पुर्तगालियों से थे, पुर्तगालियों के साथ उनका मित्रवत संबंध था। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हजारा रामा स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है आपके पास प्रताप रुद्रदेव ने, रवि वर्मा ने, कृष्णदेव राय ने या छत्रपति शिवाजी ने। तो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय ने क्या करवाया था, हजारा रामा स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिले हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है बीजापुर, गोलाकोंडा, हम्पी या बड़ोड़ा। तो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो हम्पी स्थान है वहाँ से विजयनगर साम्राज्य के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। वहीं से विजयनगर साम्राज्य के बारे में पता चला, वहाँ से उसके अवशेषों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, वहाँ से अवशेष जब खुदाई हुई तो वहाँ से विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिले। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है? तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से यहाँ बता पाना मुश्किल है। ऑप्शन होता तो आप बता पाते कि कौन सा ऑप्शन सही है। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता ना, मैं कमेंट में आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल लोग कौन थे? मुगल लोग अफगानी थे, अरबी थे, मंगोली थे या चगताई तुर्की थे? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि मुगल लोग कौन थे, चगताई तुर्की थे। स्टार्टिंग में चगताई तुर्की है, इनके जो मेन बेस है वो यही है। कौन थे मुगल लोग, चगताई तुर्की थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी है तो किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो यहाँ आपको बताना है, ऑप्शन है आपका बाबर, जहांगीर, अकबर या हुमायूं। तो इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी है तो हुमायूं शासक के सहयोगी थे। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? आपके ऑप्शन है मिराक मिर्जा घियात, अब्दुल लतीफ, मीर कासिम या शेख आलम शाह। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि दिल्ली में जो स्थित है प्रसिद्ध हुमायूं का मकबरा, उसके वास्तुकार कौन थे, मिराक मिर्जा घियात। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अशिक्षित था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो अकबर था उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो अशिक्षित था, यानी वो अशिक्षित मुगल सम्राट था। तो बी ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से भेदभावपूर्ण कर को सम्राट अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया था। ऑप्शन आपके पास जगात, खराज, जजिया, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। जो जजिया कर था वो भेदभावपूर्ण था, क्योंकि जजिया कर था क्या, जजिया कर में ये होता था कि अगर कोई मुस्लिम धर्म को मानने वाला इंसान धार्मिक स्थल पर जाता है तो उससे कोई कर नहीं लिया जाता था, लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई मनुष्य या कोई भी पर्सन किसी भी धार्मिक स्थल पर जाता था जो हिंदू धर्म से रिलेटेड थे या उनके दर्शन करने जाता था, तो उनसे एक प्रकार का कर लिया जाता था, जिसे जजिया कर के नाम से जाना जाता था। तो जब अकबर ने 1564 में इसे समाप्त कर दिया था, यानी सबके लिए इक्वल कर दिया था कि अब कोई भी कर नहीं दिया जाएगा, अपना जिसे भी धार्मिक स्थल जाना है आराम से जा सकता है, किसी को भी कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अशिक्षित था। तो हमें पता ही है कौन सा अशिक्षित था, अकबर अशिक्षित था। फिर से वही क्वेश्चन, कौन से भेदभाव पूर्ण कर को सम्राट अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया था, जजिया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन है आपके पास औरंगजेब, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध कवि कौन से थे, बीरबल, बैरम खां, रहीम या तुलसीदास। बीरबल जो था वो उनका मंत्री था, कोई कवि नहीं था, और तुलसीदास जो थे वो अकबर के दरबार में नहीं थे, अकबर के समकालीन थे, यानी जब अकबर का शासन था तब तुलसीदास भी थे लेकिन उनके दरबार में नहीं थे। तो अकबर के दरबार के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे, रहीम इनके सुप्रसिद्ध कवि थे अकबर के दरबार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इबादत खाने का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था, मुगल शासक भी था और उसने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन थे। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले बताया कि जब जो लेखक तुलसीदास थे वो अकबर के समकालीन थे, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तुलसीदास अकबर के दरबार में नहीं थे लेकिन उनके समकालीन थे, यानी जिस टाइम पे अकबर राज्य कर रहा था, शासन कर रहा था, उसी टाइम पे तुलसीदास भी प्रेजेंट थे उस टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्दीघाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच लड़ा गया। शेरशाह हुमायूं के बीच, महाराणा प्रताप या अकबर के बीच, मोहम्मद गौर या पृथ्वीराज चौहान के बीच, या बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। तो हमें पता है हल्दीघाटी का युद्ध जो बहुत ही ज्यादा फेमस है 1576 में लड़ा गया था, वो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती प्राचीन भारत का वृहत वृत्तांत किससे संबंधित है। रसायन शास्त्र से, दर्शन शास्त्र से, औषधि से या गणित से। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो लीलावती प्राचीन भारत का वृहत वृत्तांत है वो गणित से रिलेटेड है, तो सी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो मुगल शासक कौन थे जिन्होंने आत्मकथा लिखी, यानी अपने बारे में लिखा, अपने बारे में कहानी उन्होंने लिख के बताई अपने जीवन काल के बारे में। तो ऑप्शन है आपके पास बाबर और जहांगीर, जहांगीर और शेरशाह, हुमायूं और अकबर, बाबर और हुमायूं। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बाबर और जहांगीर। बाबर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी, जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो मुगल शासक कौन थे जिन्होंने आत्मकथा लिखी है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा बाबर और जहांगीर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है सासाराम, आगरा, देवगढ़ या वैशाली। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में है फतेहपुर सीकरी, तो ये यहाँ ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पेशावर से कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किन्होंने करवाया। तो हम सभी को पता है शेरशाह सूरी ने कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, तो यहाँ आपका ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। ऑप्शन है सतपुड़ा राजा, बुंदेला राजपूत, राजा विक्रमादित्य, राजा भोज। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बुंदेला राजपूत ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के तीसरे गुरु कौन थे। गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अमरदास। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सिखों के तीसरे गुरु कौन थे, गुरु अमरदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि कौन सी है।
हमेशा गलत टाइम पे ही हजम लगता है इनका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि कौन सी है, अमृतसर, पटना, हरिद्वार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि कौन सी है, अमृतसर, पटना, हरिद्वार या केदारनाथ। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पटना क्या है, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है, यानी वहां पटना में पाटलिपुत्र में उन्होंने जन्म लिया था, इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु रामदास जी ने। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने कब की थी, 1769 ईस्वी में, 1599 ईस्वी में, 1499 ईस्वी में या 1699 ईस्वी में। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने, रामदास ने, नानक ने, अर्जुन देव ने। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो खालसा पंथ की पाहुल प्रणाली वो किस सिख गुरु ने आरंभ किया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक का उपदेश क्या था, उन्होंने क्या मेन उपदेश दिया था, मनुष्य में भाईचारा, सिखों का एक आतंकवादी संगठन बनाना, ये तो बिल्कुल नहीं दिया था, सिख मत का एक धर्म बनाना, सिखों की एकता। तो यहाँ जो ए ऑप्शन वो सही हो जाएगा, गुरु नानक देव ने हमेशा मनुष्यों में भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया, उनके जो उपदेश थे वो भी मनुष्यों में भाईचारे को लेकर ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था, यानी जब शिवाजी थे, शिवाजी का शासन काल था, शिवाजी के टाइम पे कौन से मराठा संत थे, उनका नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन है संत ध्यानेश्वर, राम नामदेव, संत एकनाथ या संत तुकाराम। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि शिवाजी के टाइम पीरियड में मराठा संत जो थे उनका नाम था संत तुकाराम। तो गाइज ये 73 क्वेश्चन हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी जो एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये 73 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपका कहीं से भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्हीं में से 90% आपका कवर हो जाएगा। तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है, और जो PDF है, अगर आपको PDF की रिक्वायरमेंट है, आप PDF चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जितने लोगों के, अगर ज़्यादा लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं आपको PDF फ्री पे प्रोवाइड करा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ये क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए, ताकि आपको सारी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे और एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। थैंक यू।